हेलो ऑल, वेलकम टू द न्यू वीडियो फॉर मैथमेटिक्स क्लास 9। सो लेट्स कंटिन्यू। हमने पढ़ा था कि जो नंबर्स रिपीट होते हैं उसके ऊपर हम बार लगाते हैं और उसको रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम आज एक्सरसाइज 1.3 से स्टार्ट करेंगे, तो जो भी दो एग्जांपल बीच वाले नहीं हुए वो इसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप फिर एग्जाम्पल कर सकते हो क्योंकि एग्जाम्पल का सोल्यूशन ऑलरेडी दिया है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, ठीक है। उसमें मैं आपको तीन टाइप के करवाऊं ताकि कि आपको पहचान। अभी क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले आपको थोड़ा बहुत चीज समझना पड़ेगा। एक तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है। टर्मिनेट का मतलब स्टॉप हो जाना, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ऐसा नंबर जो स्टॉप नहीं होता है, रिपीट होता जाता है, ठीक है। रिकरिंग का मतलब रिपीट होने वाला, ठीक है। और नॉन रिकरिंग, रिपीट ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये चार में से ही आपको देना है, इसलिए मैंने ये लिखा। टर्मिनेटिंग का मतलब स्टॉप होना, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब स्टॉप नहीं होना, रिकरिंग का मतलब नंबर्स रिपीट होना, और नॉन रिकरिंग का मतलब है रिपीट नहीं होना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, 36/100, इसका आंसर क्या आएगा मुझे बताओ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.36। अब जनरली 0.36 को ऐसे लिखते हो, इसका रिवर्स सोचो, पॉइंट यहाँ होता है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया, क्या दिख रहा है आपको, ये टर्मिनेटिंग है ना। हाँ, तो ये लिख देना है टर्मिनेटिंग तो है ही, ठीक है, क्योंकि इसमें बोला है कि व्हाट काइंड ऑफ, तो काइंड ऑफ के लिए आपको रीजन देना है। टर्मिनेटिंग आपको सिर्फ लिख देना है, फिर इसमें नॉन टर्मिनेटिंग तो आएगा ही नहीं, टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, राइट। तो नॉन रिकरिंग भी लिखने की जरूरत नहीं है, टर्मिनेटिंग इज इनफ। समझ में आ गया, टर्मिनेटिंग मतलब एक नंबर पे, एक डिजिट पे वो स्टॉप हो जाता है, उसकी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल करते हैं। सेकंड दिया है 1/11, 1/11। जब आप इसका करोगे डिवीजन, ऐसे करना पड़ेगा ना, तो इसकी आंसर आएगी 0.09 बार आप करना, ठीक है ना। क्यों 0.09 बार आप एक्सपांड करना, आपका ये आंसर आएगा 0.0999, ऐसे आंसर आएगा। उसका मतलब इसका आंसर है 0.09 बार। तो उसका मतलब ये क्या हुआ, रिकरिंग हुआ। क्यों रिकरिंग हुआ, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, राइट। एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी साथ में प्री में, क्यों नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहा हूं मैं, फिर से बोल रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग मीनिंग क्या है, स्टॉप नहीं होता है। तो ये तो देखो स्टॉप ही नहीं होने वाला है, इसलिए तो हमने क्या ऊपर लगाया है बार, बार का मतलब वो रिपीट होता जाता है, राइट। कितनी भी बार डिवीजन करोगे आंसर यही आएगा 9999। इसीलिए रिकरिंग का मतलब 9 रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो टर्मिनेट स्टॉप नहीं हो रहा है। समझ में आ गया, यस अब समझ में आ गया। अब थर्ड वन करते हैं। थर्ड वन का क्वेश्चन है 4 × 1/8, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है अगर याद हो, राइट। 4 × 8 और इसके साथ प्लस करना, तो क्या होगा 33/8, ठीक है। 33 को आप 8 से डिवाइड करो साइड में, 33/8, 4×8=32, 10.1, 1×8=8, 20, 8×2=16, 40, 5×8=40, क्या आंसर आया 4.125। इसका मतलब क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग आपको खास लिखना है, राइट। टर्मिनेटिंग लिखते हो उसके बाद कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया होगा, राइट। डिवीजन करके भी दिखा दिया, इम्प्रॉपर को प्रॉपर कैसे करना है सब कुछ दिखा दिया, राइट। तो अभी आपको एक और क्या कर देता हूँ, फोर्थ वन का। फिफ्थ और सिक्स्थ आप सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हो, ओके। चलो तो फोर्थ वन करते हैं। 3/13, ठीक है, 3/13, क्या करना पड़ेगा, 3 को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है।
इसको 0 पॉइंट ये डिवीजन भी करके दिखा देता हूँ। इसको 30 लेना पड़ेगा, 13 2 जार 26 बचेगा 40, 13 3 जार 39, 40 में से 39 गया 10 रहा, 10 तो इससे कम है, तो क्या करना पड़ेगा और एक नंबर को लेना पड़ेगा, ठीक है। और आगे कहाँ तक जाना पड़ेगा आपको, 13 7 जार, हाँ 13 7 जार होता है 91, तो ये किया फिर 10, तो इसका आंसर आएगा आपका एग्जैक्ट 0 पॉइंट, हाँ और यहाँ पे एक जीरो लगाया तो 07, हाँ यहाँ पे 90 आएगा, सॉरी ठीक है ये 90 आया। तो अभी आपका 13 6 जार करना पड़ेगा, देखो क्या आंसर आएगा उसका, 78। तो देखो 13 6 जार करोगे तो आपका आंसर आएगा 13 6 जार में 78, 13 7 जार 91 हो जाता है, देख लेना ठीक है, तो डिवीजन सही जा रहा है। ओके तो 12 1 2 फिर 1 2 0, 1 2 0 मतलब 13 9 जार करना पड़ेगा डायरेक्टली, राइट। फिर आप आगे करना 1 2 13 9 जार कितना होता है, ये 13 9 जार होता है, फर्क कर लेते हैं फिर से 120 लिख रहा हूँ, 13 9 जार 7 2 1 1 7 क्या आया 30 दिख रहा है, ये 30 नंबर उसका मतलब क्या होगा, ये पैटर्न फिर से रिपीट होने वाली, समझ में आया राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.230 फिर 7 6 9 बार। अब इसके आगे क्या आएगा, फिर से यही आएगा 2 3 0 6 7 9, समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ राइट। इसलिए इसके ऊपर बार लगाया, बार लगाया उसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, मतलब स्टॉप नहीं हो रहा है, साथ में रिपीट भी हो रहा है, इसलिए इसका नाम है रिकरिंग, याद रखना है रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा, ठीक है भाई समझ में आ गया। ओके आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यू नो दैट 1/7, 1/7 का आप डिवीजन करोगे तो उसका पैटर्न आएगा 0.142857 बार, ठीक है इसमें जीरो रिपीट नहीं होता है, बाकी सब रिपीट होगा, ठीक है। उन्होंने ऐसा बोला है कि 2/7 की वैल्यू क्या होगी, 3/7 की क्या होगी, 4/7 सेम वे, 5/7 6/7 विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, आपको डिवीजन नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। देखो 2/7 उसका मतलब क्या है, 2 × 1/7 ठीक है, दैट इज 2 × द गिवन वैल्यू 0.142857 का पर डैश। अभी क्या करना है आपको, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आएगा, ऐसा हो तो आप रफ में भी कर सकते हो 0.142857 इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 4111715822 0.285714 आंसर आ गया 0.285714 इसके ऊपर बार लग जाएगा, ये पहले का आंसर आ गया ठीक है 2/7 का। सेम वे में 3/7 का करूंगा, क्या होगा 3 × 1/7 दैट इज 3 × 0.142857 का बार, दैट इज दैट वुड बी इक्वल टू 0.014 2857 का अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2 5 3 15 1 5 2 6 8 2 1 4 0.428571 ठीक है ये आंसर आ रहा है 428571। सेम वे आप कर सकते हो 4/7 का 5/7 का और 6/7, आपको रफ में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इसमें हमने कोई लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं किया है, डायरेक्टली ये कर दिया ठीक है, डू इट इजीली। ओके क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर प्रोसीड करते हैं, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 को 5 के, 5 को इसके साथ 6 में सेम,
क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर डायरेक्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपको एक्सप्रेस करने हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू फॉर्म। किसको पी बाई क्यू में आपको लेके आना है 0.6 बार, याद आ रहे हैं ऐसे सम्स एग्जांपल में थे। ओके चलो एक्स ले लेते हैं 0.66 को, क्योंकि 6 बार इज नथिंग बट 0.66 एंड गोज ऑन। ओके कितने नंबर के ऊपर टोपी है, एक नंबर के ऊपर, एक नंबर के ऊपर टोपी है तो हमें 10 का मल्टीप्लाई करना है, दो के ऊपर है तो 100 का, तीन के ऊपर है तो 1000 का, हमने ये सीखा था ठीक है ना। और 10x विल बी इक्वल टू 10 into 0.66 एंड गोज ऑन। ओके क्लियर, 10x इज इक्वल टू 6.666 एंड गोज ऑन, that is 10x is equal to 6 plus 0.6 का बार, इसको 0.6 बार भी लिख सकता हूं या 0.66 ही रखता हूं ठीक है। क्या आंसर आएगा, 10x is equal to 6 plus x, x यहां पे चला जाएगा, 9x is equals to 6, x is equals to 6 by 9, easy right, या फिर x is equals to मैं लिखता हूं 2 by 3, ये आपका फाइनल वैल्यू ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हो। ओके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है 0.47 बार, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड आपको लगेगा ठीक है। तो x ले लिया हमने, जो भी दिया है उसको x ले लिया फर्स्ट स्टेप। ओके मैं 10x बोलू तो 10x के लिए क्या आंसर आएगा, 4.777, क्योंकि x क्या था 0.477, तो 10x के लिए 8 पॉइंट मूव करना है ठीक है, ये समझ में आ गया। दोनों इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया। ओके 100x क्या होगा, 100x मतलब इसका 2 पॉइंट हमें मूव करना है, 47.77 एंड गोज ऑन। ओके नो प्रॉब्लम, इसको मुझे इसको इसके फॉर्म में लिखना है, नहीं समझ में राइट right? देखो मैं 100x इज इक्वल्स टू, इसको इसके साथ माइनस करो क्या आंसर आएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, 47 में से 4 जाएगा तो क्या आंसर आएगा, 43 आंसर आएगा ठीक है। प्लस 43 के साथ कितने में ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा, क्योंकि हमारी एक्चुअल वैल्यू तो यही है ना, समझ में आया। देखो इसको मुझे स्प्लिट करना है, स्प्लिट में समझते हो राइट, प्लस के प्लस में इसको डिवाइड करना है, तो मैंने क्या किया इसको पहले माइनस किया तो 43 बचा, प्लस क्या करूंगा यही तो प्लस करना है 4.77 ठीक है। अभी देखो सिंप्लीफाई हो गया, 100x इक्वल टू 43 प्लस 4.77 को क्या करना है, क्या ले लेना है, देखो 10x रखता हूं, क्यों रखा सर अपने 10x, बिकॉज इक्वेशन नंबर 2 ठीक है, समझ में आया क्यों रखा, इक्वेशन नंबर 2 देखो तो मैं इसको हाईलाइट करता हूं तो समझ में आएगा, 4.77 की जगह पे मैं 10x रख सकता हूं, 10x यहां पे आएगा, आंसर आएगा 90x इक्वल टू 43, फाइनल आंसर आएगा आपका, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 43 by 90। आई थिंक नाउ यू वुड बी क्लियर विद दिस टाइप ऑफ सम्स, और ये जो सम है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट सम, क्योंकि इसमें आपको 10 और 100 दोनों का यूज करना है, कैसे करना है, क्या माइनस करना है, सब कुछ समझा दिया। फिर से बोलता हूं, पहले आपको 10x करना है 4.77 के लिए, फिर 100x भी करना पड़ेगा, क्यों, ये एक स्पेशल टाइप का सम है जिसमें एक के ऊपर ही टोपी है ठीक है। तो पहले 10x वाला किया ठीक है, फिर क्या किया हमने 100x किया, फिर 100x में 10x का यूज किया है, इनडायरेक्टली यूज किया, कैसे किया, 47.77 को स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करने की मेथड क्या है, 47.77 को 4 के साथ माइनस कर दो, ऐसा हो तो साइड में कर सकते हो, माइनस 4.77 क्या आंसर आएगा, 43.00, 43 लिखा, प्लस क्या करूंगा तो 47 आएगा, 4.77 वो प्लस किया, 4.77 क्या है एक्चुअली 10x रखा, 10x को इस तरफ लेके आए 90x है, फिर लास्ट में ये आंसर, समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपने आप से करना पड़ेगा, क्वेश्चन 3 का हाँ सर तो बहुत होमवर्क देते हैं, हाँ एक एक करोगे तभी मेंस आएगा वरना नहीं आएगा।
ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर प्रोसीड करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री हो जाएगा, 3 नंबर वाला है, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। लॉजिक दे दिया, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर फोर इजी है, 0.999 ऐसे कंटिन्यू में है, उसको आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में क्लासमेट्स है आपके, राइट, विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। वन आंसर आएगा इसका, क्यों आंसर जो है 0.99 उसका आंसर 1 क्यों आता है, वो आपको मेरे साथ डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका मतलब 0.9 बार होता है, ठीक है। एक के ऊपर टोपी है तो 10x इक्वल टू क्या होगा, 9.99 एंड गोज ऑन, ठीक है। ओके, 10x इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूं 9 प्लस 0.99, ठीक है। अभी 10x इज इक्वल्स टू, इसको इक्वेशन वन देता हूं, 9 प्लस x लिख सकता हूं बिकॉज ऑफ इक्वेशन वन। मैं जब भी ये लिखता हूं आपको इक्वेशन वन पे चला जाना, ये x यहां पे आएगा, 9x विल बी इक्वल टू 9, x विल बी इक्वल टू 9 बाय 9, आंसर विल बी इक्वल टू 1, देयरफॉर x आंसर इज इक्वल्स टू 1। 0.99 को हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, मालूम है ना, राउंड ऑफ करते हैं, उसका ये प्रूफ है। अब समझ में आया, द आंसर मेक्स सेंस, व्हाई इट मेक्स सेंस, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा 0.99 है वो बहुत ही क्लोज है 1 से, कितना डिस्टेंस है 1 से, वो डिस्टेंस ही नहीं है, राइट, क्योंकि ये 9999 तो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम राउंड ऑफ करते हैं तो उसको 0.999 को 1 लिखते हैं। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 टू इजी, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। What can be the maximum number of digit in the repeating block of the digit in the expansion of 1/17? Question number 5 में आपको division करना है, थोड़ी hint दूंगा बाकी आपको, 1/17 का, 17 को 1 के साथ division करना है, right? अब जब divide करोगे तब कितने number repeat होंगे वो आपको बता देता हूँ, 16 number repeat होंगे, कितने, मतलब जो आप divide करोगे ना यहाँ पे 1 को 17 के साथ, तो यहाँ पे 16 digits आने वाले हैं, ये hint है, ठीक है, डिवाइड करना है, पर से 16 डिजिट आएंगे आप करते जाना, फिर वही 16 डिजिट है वो रिपीट होने वाले हैं, क्योंकि ये कौन सा नंबर हुआ, तो रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग मतलब रिपीट होने वाला है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। ओके, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। ऐसा है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत सारा चीज बोल दिया, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है समझा दो, सेवरल एग्जांपल आपने देखे हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी एंड क्यू विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, ओके, एंड हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग मतलब एक नंबर पे वो उसका आंसर आ जाता है, रिपीट नहीं होता है, बार नहीं लगता है, ठीक है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट सेटिस्फाई, तो देखो पहला मैं एग्जांपल लेता हूं 2/5, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका 0.4, आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हो, खुद भी कर सकते हो, राइट, 1/10 आंसर आएगा 0.1, टर्मिनेटिंग कोई भी ले लो, कोई भी टर्मिनेटिंग हो वो ले सकते हो, जैसे मैंने लिया 1/2 क्या आंसर आएगा 0.5, फिर मैं बोलता हूं 1/4 आंसर आएगा 0.25, ठीक है, 1/2, 1/4, 1/10, ठीक है। सब एग्जांपल में आपने एक चीज क्या कॉमन देखी कि भाई नीचे है ना या तो 5 है या तो 2 है, क्यों मैं ऐसे बोला, सर बोलो सर 10 तो 5 और 2 में नहीं आता, पर 10 खुद किससे बना है, 5 और 2 से बना है, उसका मतलब मैं इसको p लेता हूं और इसको q लेता हूं, तो q की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए डिनोमिनेटर में, उसका मतलब ये है p बाई क्यू, तो q है ना हमेशा q की वैल्यू 2m इंटू 5m के फॉर्म में, p जो भी हो q है वो ऐसे टर्म्स में आना चाहिए, तभी वो नंबर है वो कैसा कहलाएगा,
तभी वो नंबर है वो टर्मिनेटिंग कहलाए। जब उसके डिनोमिनेटर है वो टू और फाइव के फैक्टर्स बन रहे हैं, टू और फाइव मतलब समझते हो, तब वो नंबर्स गिने जाएंगे टर्मिनेटिंग में। तो क्यू की, क्यू के लिए क्या होना चाहिए, व्हाट इज द टर्मिनेटिंग प्रॉपर्टी, टू रेस टू एम, फाइव रेस टू एम, टू रेस टू कितना भी हो, फाइव रेस टू कितना भी हो, टर्मिनेटिंग ही आने वाला है। समझ में आया, टू और फाइव के फैक्टर्स से ये स्प्लिट होना चाहिए। और एक एग्जांपल देता हूं, चलो चलो हम सोचते हैं कि वन अपॉन ट्वेंटी टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, आप कर सकते हो। इसका आंसर क्या आएगा मालूम है, 0.05 आंसर आएगा, क्योंकि 25,100 होता है। समझ में आ रहा है राइट? तो क्यों ये 1/20, 20 कैसे है, 2 × 5, 2 रेस टू 1 और 5 रेस टू 1। समझ में आया? तो m और n क्या है, पावर है। मतलब कि डिनोमिनेटर वाला नंबर 2 और 5 के टर्म्स में अगर होता है तो डिनोमिनेटर में, तो वो पूरा रेशनल नंबर है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ओके समझ में आ गया, टू इजी। याद रखना क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी से वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा, 2 रेस टू m और 5 रेस टू n, डिनोमिनेटर में ये होना चाहिए। ओके चलो क्वेश्चन नंबर सेवन। राइट थ्री नंबर उस डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और नॉन रिकरिंग है, 0.414141 टर्मिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है, देखो रिपीट तो हो रहा है, तो इसको मैं रिपीट नहीं करना है, 41411411411 नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है भाई, रिपीट भी नहीं हो रहा है, देखो 41411411 कोई भी नंबर दे सकते हो, 0.12 123 1234 1234 5, ठीक है, कितने भी एग्जांपल्स आप बना सकते हो राइट। क्वेश्चन नंबर 8, ये पूछे जाने की शक्यता कम है। फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर एक्चुअली, बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में आपको तीन रेशनल नंबर्स ढूंढने हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले आप इसका डिवीजन करना, इसकी वैल्यू आएगी 0.714285 और 9/11 का डिवीजन करना तो इसकी वैल्यू आएगी 0.81 का बार। उसका मतलब क्या हुआ, अप्रोक्सीमेटली 0.714285 और 0.81 के बीच में आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, लिख सकते हो राइट। तो मैं इसमें लिखता हूं 0.737373733 चलेगा ना, क्योंकि ये इसके बीच में होना चाहिए तो बीच में ही है। फिर लिखता हूं, ये पहला आंसर हुआ मेरा, फर्स्ट आंसर, आंसर नंबर वन। फिर दूसरा लिखता हूं 0.747474, फिर लिखता हूं 0.787981, कोई नंबर का तो ये पैटर्न आएगा राइट। कोई भी नंबर लिख सकते हो, पर वो नंबर 71 और 81 के बीच में होना चाहिए, 73 से स्टार्ट हो रहा है, 74 से 78 से, ठीक है। ओके समझ में आ गया। रूट 23 क्लासिफाई दैट वेदर द नंबर आर रेशनल और इरेशनल। ओके रेशनल का मतलब, अब रेशनल का मतलब क्या समझे आप, रेशनल का मतलब वो होता है कि भाई वो पी बाई क्यू के फॉर्म में तो हो, पर P by Q के फॉर्म में तो होना ही चाहिए, पर वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए, तब उसको हम रेशनल बोल सकते हैं, वरना वो इरेशनल गिना जाएगा। चलो समझ में नहीं आया, अभी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ 23 इरेशनल नंबर। क्योंकि आप रूट ऑफ 23 निकालोगे तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि रेशनल की इरेशनल, रूट लग गया तभी मालूम पड़ जाएगा कि ये इरेशनल नंबर। सेकंड रूट ऑफ 225, इसका ये रूट किसी का लगता है, यस 15 का, ये 15/1 ये तो रेशनल नंबर हो गया। समझ में आया राइट? तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रूट बाहर निकल जाएगा, तो वो नंबर बन जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है। ओके फिर 0.3796 टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है तो मैंने क्या बोला था पहले ही, टर्मिनेटिंग का मतलब इसकी कुछ एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है, इसके ऊपर बार नहीं है, तो ये वाले नंबर है वो रेशनल नंबर है, ठीक है। ओके आगे
मैंने पहले ही बोला था इरेशनल नंबर मतलब स्क्वायर रूट वाले हो तो इरेशनल होंगे, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग है ना वो भी इरेशनल होंगे, भले वो रेशनल फॉर्म में हो पर नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे 1/3 0.33333 इरेशनल नंबर, 0.99999 इरेशनल नंबर, समझ में आ गया। ओके फोर्थ वन 7.478 ऐसा है, फिर है 478 ठीक है ना, मैं ऐसे ही लिखता हूं चलेगा, 7.478 रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है इसका मतलब ये है रेशनल नंबर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है 7.478478 उसका मतलब ये नंबर कौन सा है, रेशनल नंबर है। अब सर रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है बता दो, 478 रिपीट हो रहा है, देखो एक के ऊपर ही बार लगाना है ये बता दो, तो रेशनल नंबर है वो किस किस को गिना जाएगा वो मैं लास्ट में आपको कंक्लूड करके दे दूंगा, ठीक है ना। 478 रिपीट हो रहा है उसका मतलब क्या है, ये रेशनल नंबर ही तो है, जैसे 1/3 0.333 अगर पैटर्न रिपीट नहीं हो रही तब इसको हम बोलेंगे इरेशनल है। जैसे कि फिफ्थ वन देखो 1. अब ध्यान से देखना 101 ऐसे लिखा है, 101 पहले देखना 101 फिर लिखा है 1001 फिर 301 ऐसे ही रिपीट होता जाए, पर देखो इसमें कोई पैटर्न ही नहीं है, 10 रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जब पॉइंट के बाद ध्यान रखना नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हो, इट इज नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग हो तब वो गिना जाएगा इरेशनल नंबर। तो इससे हमने कंक्लूड क्या किया भाई, कंक्लूजन लिख दूं ये किसको रेशनल नंबर बोलते हैं किसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। ओके चलो रेशनल नंबर है पहले वो लिखता हूं, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए पहला चीज। ओके सेकेंड कोई भी नंबर x हो उसके पीछे कोई भी नंबर हो जैसे कि 1 2 3 वो नंबर्स रिपीट होना चाहिए, मतलब नंबर कैसा होना चाहिए नॉन रिकरिंग हो तो सॉरी रिकरिंग हो तो चलेगा और नॉन टर्मिनेटिंग हो तो भी चलेगा। रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर ऑल्सो नोन एज रेशनल नंबर, कंक्लूजन है बहुत याद रखना, 1-2 मार्क्स में पूछा जाएगा। रिकरिंग मतलब नंबर रिपीट हो रहा है राइट पॉइंट के बाद, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट भले ना हो चलेगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो रिकरिंग हो चलेगा। ठीक है थर्ड परफेक्ट स्क्वायर हो याद है ना रूट वाला, रूट ऑफ फोर का आंसर क्या आएगा 2/1, तो ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी समझ में आ गई। इरेशनल नंबर किसे बोला जाएगा, पहली चीज तो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना हो रूट के फॉर्म में हो रूट ऑफ एक्स, ठीक है। सेकंड एक्स पॉइंट 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इसका मतलब क्या है कि नॉन रिकरिंग है तो डायरेक्टली ये इरेशनल नंबर में आ जाएगा, हो गया। नॉन रिकरिंग नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ये आपको याद रखना है। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हो रहा है, नॉन रिकरिंग का मतलब नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं राइट। तो उसका मतलब वो मत सोचना कि जिसकी 0.3796 आया था तो वो तो नॉन रिकरिंग था, वो नहीं। देखो पॉइंट के बाद की बात हो रही है, पॉइंट के बाद में आपका वो नंबर पूरा और हाँ एंड नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी यार ये भूल गया, एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखो फर्क क्या है, इसमें रिकरिंग है इसमें नॉन रिकरिंग है, रिकरिंग मतलब पैटर्न रिपीट होती है, इसमें पैटर्न रिपीट नहीं होती, बाकी टर्मिनेट तो दोनों नहीं हो रहे, समझ में आ गया। टर्मिनेट मतलब पॉइंट के बाद वो तो नंबर्स लिखते जाओ राइट, पर इसमें रिपीट होने अगर रिपीट होते हैं तो रेशनल नंबर है, बाकी रिपीट नहीं होते तो रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल। ठीक है पूरी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, हैप्पी लर्निंग।
एंड या डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ये सब है वो सम सॉल्व करना, ठीक है, जो सेल्फ इवेल्युएशन के लिए दिए वो दो एग्जाम्पल बाकी रहे हैं वो, ठीक है, थैंक यू।